नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, इस बात को सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। जो काम एक भारतीय युवा कर सकता है उसे दुनिया का कोई और शख्स नहीं कर सकता। इस बात को मानने वाले दुनिया के सबसे अमीर शख्स के नाम से शुमार बिल गेट्स ने भी कहा था कि अगर वो अपनी कंपनी में हिंदुस्तानियों को अगर अच्छे पैकेज पर नौकरी नहीं देते तो ना जाने भारत में कितने नए माइक्रोसॉफ्ट खुल जाते। शायद यही वजह है कि दुनिया के हर एक बड़ी संस्थान में आपको भारतीय जरूर मिलेंगे। इस बात पर उदाहरण के तौर पर आप मंगल मिशन को ले सकते हैं, जिसमें बेहद ही कम बजट में हमारा मिशन पूरा हुआ था और इसकी लागत हॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों से भी काफी कम थी। तो आज की एक खास खबर भी कुछ ऐसी है, जिसमें एक भारतीय युवा ने सिर्फ 100 रुपए में बेहद ही खतरनाक और घातक AK-47 बंदूक बना ली। ये खबर मध्य प्रदेश के रीवा में मौजूद NCC कैंप की है, जहां आर्म्स परीक्षण के लिए राइफल नहीं थी, जिसे लेकर परीक्षण के दौरान छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता था। ऐसे में संस्थान में परीक्षण ले रहे ITI के एक छात्र की ओर से परीक्षण के लिए लकड़ी की एक राइफल बनाने का कारनामा कर दिखाया। छात्र द्वारा राइफल तैयार करके सेना के अधिकारी को भेंट में दी गई। तो आपको बता दें कि यह कमाल ITI के कारपेंटर ट्रेड के परीक्षण ले रहे छात्र आशीष विश्वकर्मा, जो कि सागर का रहने वाला है, उसने किया है। छात्र ने 2 दिन के भीतर ही इस राइफल को तैयार किया ताकि NCC का परीक्षण ले रहे छात्रों को इससे मदद मिल सके। फिलहाल ITI में NCC का कैंप लगा हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए रीवा सागर से सेना के अधिकारी आए हुए हैं। उक्त कैंप में NCC कैडेट को आर्म्स का परीक्षण देने के लिए राइफल नहीं थी। इस बात से छात्र को प्रेरणा मिली और उसने राइफल तैयार करने की ठान ली। उसने लकड़ी की एक AK-47 तैयार की। ये राइफल उसने 2 दिन में तैयार कर डाली और जो कि हूबहू राइफल की तरह ही दिखने वाली थी। इसमें सबसे खास बात तो यह है कि इसको तैयार करने में महज 100 रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें 60 रुपए का लेंस और 40 रुपए का पेंट लगाया गया। बेहद कम लागत से ट्रेनिंग के लिए इस राइफल को तैयार किया गया। तो वहीं छात्र की इस उपलब्धि पर ITI के शिक्षकों ने उसी प्रसन्नता जाहिर की और साथ ही उक्त राइफल को छात्र ने सेना के अधिकारी को भेंट में दे दी। NCC कैंप में शामिल होने के लिए आए सेना के अधिकारी को यह राइफल भेंट दी गई है, जिसे देखकर सेना अधिकारी भी काफी प्रसन्न हुए और तो और उसका मॉडल भी उन्हें काफी पसंद आया और उन्होंने छात्र को शील्ड देकर सम्मानित भी किया। कुमार विश्वकर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा, मैं सगरे का रहने वाला हूँ। मैं ये ITI रीवा में कारपेंटरी ट्रेड का स्टूडेंट हूँ। क्या था कि मेरे यहाँ 33 MP बटालियन NCC की ट्रेनिंग चल रही थी, जो सागर में इसका हेडक्वार्टर है। तो जो लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे कैडेट्स, उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए गन नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको लकड़ी की गन बना के ट्रेनिंग करने के लिए दे दूँ, ताकि ये एम्यूनेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मैंने AK-47 का डमी बना के तैयार किया हूँ, जो मेरे द्वारा निर्मित हुई है, यही ITI ट्रेड कारपेंटरी ट्रेड रीवा में। किन किन चीज़ों से बनी हुई सर? ये ज़्यादातर इसका जो मुख्य 90% भाग है तो ये लकड़ी का बना हुआ है। जो मैगजीन है, बट है, इसका लकड़ी का है। स्कोप भी है, उसमें लकड़ी और लेंस का प्रयोग किया गया है। और जो इसका बैरल है, ये GI पाइप का बनाया गया है। इसमें क्या है, जो कम से कम लागत बनाया गया, ये सिर्फ 100 रुपीज़ में। इसमें 60 रुपये का लेंस लगाया गया है और 40 रुपये की पॉलिश का उपयोग किया गया है। ये कम से कम लागत में बनाई गई है। यहाँ पर कितने दिनों में तैयार? सर ये 2 दिन में कंप्लीट हो गई है बंदूक बनके। इसका मतलब अप्रूव भी हुआ है? हाँ सर, इसका जो निरीक्षण किए तो सर वो SO सर, CO सर आए थे वहाँ से, सागर से DM थोंग सर। DM डोंग कौन से बटालियन? ये 33 MP बटालियन सागर की है। क्या कहा उन्होंने देखा तो? उन्होंने कहा कि ये सर बंदूक अच्छी बनी है और उनको जो फोटो और वीडियो उसका ले गए हैं वहाँ पर, ये वहाँ सागर के लिए। कौन सी गन? ये AK-47 है। आपका सम्मान भी किया गया? जी सर, हमको सील मिली है उसके उपलक्ष पर। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।